Hello student, today we see the next problem, that is for unity feedback system having a open loop transfer function. Okay, यहाँ पे जो transfer function दिया है देखो क्या है, जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट एस प्लस टू अपॉन एस ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस सेवन एस स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एस. और फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन टाइप्स ऑफ सिस्टम, एरर कॉन्स्टेंट के पी के वी के और सी है स्टेडी स्टेट एरर फॉर द यूनिट पैराबोलिक इनपुट. ओके, सो सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट वी कंपेयर आवर प्रॉब्लम दैट इज दिस विच इज टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन. ओके, इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, हम लोग ये कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि एस का हायर पावर क्या है, दैट इज टू है. तो फर्स्ट आपको क्या निकालना था, दैट इज़ द टाइप ऑफ सिस्टम. सो ये जो टाइप ऑफ सिस्टम है तो कौन सी टाइप ऑफ सिस्टम होगी, दैट इज सेकेंड सिस्टम. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंड सिस्टम बिकॉज एस का पावर हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, दैट इज टू. सो दिस इज टाइप सेकेंड सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट का आंसर हो गया. अभी सेकेंड देखेंगे, सेकेंड में आपको क्या निकालना है, एरर कांस्टेंट निकालना है. सो फर्स्ट देखेंगे एरर कांस्टेंट क्या है, के पी, दैट इज पोजिशनल कांस्टेंट है के पी. इसका फॉर्मूला भी आपको पता है क्या है, के पी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस एच ऑफ एस. तो इसमें हम लोग जो है वैल्यू पुट कर देंगे, जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू क्या थी, दैट इज दिस इज द जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू है लिमिट एस टेंस टू जीरो. ये आपका जो है गिवन है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. अभी इसको हम ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, लिमिट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. अगर लिमिट डिवाइड कर दिया है तो क्या होगा, यहाँ पे जो आंसर है क्या आएगा, यहाँ पे एस की टर्म जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा. ओके, सो फॉर दिस यहाँ पे कहाँ कहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में एस स्क्वायर है तो ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो हो जाएगी. ओके, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाली दैट इज न्यूमिनेटर में क्या आएगा, टू के डिवाइडेड बाय जीरो आएगा. ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एस है तो ये तो जीरो हो जाएगा. ओके, सो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, दैट इज टू और के बचेगा. सो टू के डिवाइडेड बाय, नीचे में तो मल्टीप्लीकेशन में पूरा ये जीरो है तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो क्या आता है, दैट इज इन्फिनिटी. ओके, सो आंसर क्या आएगा अपना, इन्फिनिटी. नेक्स्ट देखेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट का भी आपको फॉर्मूला पता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की. सो वैल्यू अगर पुट कर दी तो क्या होगा, यहाँ पे के वी दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट के एस प्लस टू एस स्क्वायर. ओके सी, यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पे एस वाली एक टर्म आएंगी और यहाँ पे एस स्क्वायर रहेगा, है ना. सो यहाँ पे एक एस एस एक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा है, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट टर्म लिखी है, क्या है, के एस प्लस टू अपॉन एस रेस टू वन एस स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस ट्वेल्व. अभी यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिमिट आएगा, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो. ओके, सो लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो आएगा तो हम लोग इसको लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऊपर वालों को भी लिमिट देंगे और नीचे वाले को भी लिमिट देंगे. अगर लिमिट दे दिया एस टेंस टू ज़ीरो तो क्या होगा, ये ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आएगा, टू के आएगा, है ना, और डिनोमिनेटर में फिर से क्या है, एस की टर्म है तो यहाँ पे भी ज़ीरो रहेगा. सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इट इज़ इन्फिनिटी. सो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा के वी का. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दैट इज एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट दैट इज़ के ए. तो इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे क्या चेंज रहता है, सिर्फ एस स्क्वायर रहता है. सो बाकी की टर्म क्या रहेगी, जैसे कि वैसी ही रहेगी. सो यहाँ पे क्या आएगा, अभी हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, क्या आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे जो है आपका ऑलरेडी जो एच ऑफ एस है वो यूनिट एम एस वन ही रहेगा। वहाँ पे जो जी ऑफ एस की वैल्यू है वो लिख लेंगे। क्या है अपनी जी ऑफ एस की वैल्यू? ये पूरी आपकी जी ऑफ एस की वैल्यू है के एस प्लस टू एस स्क्वायर ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस ट्वेल्व। ओके, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एस स्क्वायर आएगा जो भी जो कि आपके फॉर्मूले में है। तो क्या होगा ये एस स्क्वायर और एस स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल होगा। और बाद में जो है हम लोग इसको जो है लिमिट जो है इसको अप्लाई करेंगे एस टेंस टू ज़ीरो। ओके, अगर लिमिट अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? कौन सी टर्म अपनी ज़ीरो हो जाएगी? ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ओके, और ये वाला तो कट हो गया अपना एस स्क्वायर से। ओके, सो क्या बचा है? ये वाली टर्म भी ज़ीरो होगी, ये वाली टर्म भी ज़ीरो होगी, तो बचेगी क्या? ट्वेल्व। सो लास्ट में क्या बचेगा अपना? दैट इज़ टू के। तो ये आएगा अपना टू के और ये आएगा ट्वेल्व। ओके, इससे हम लोग कर देंगे तो क्या आएगा? सिक्स। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा? के बाय सिक्स। सो के कितना आ रहा है अपना? के बाय सिक्स। ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज़ स्टेडी स्टेट एरर। अभी स्टेडी स्टेट एरर में आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है पैराबोलिक इनपुट का, वो है आपका एस आर ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ओके, ये पैराबोलिक इनपुट में आपका आर ऑफ एस क्या रहता है? वन बाय एस क्यू। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है ओके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आएगा? ये वाला क्या आएगा? एस वैसे ही रहेगा और आर ऑफ एस की वैल्यू पुट कर देंगे वो क्या रहेगी? एस क्यू, सॉरी क्यू। तो क्या होगा? एक जो है कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा? वन बाय एस स्क्वायर। ओके, और नीचे वाले टर्म में क्या करेंगे? वन वैसे की वैसी है यहाँ पे और एस जो है जी ऑफ एस एच ऑफ एस जो है यहाँ पे सिर्फ एच ऑफ एस की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ओके, सो ये वाला जो है आपका क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम का जो है सॉर्टेड आंसर आएगा। ओके, सो इसके बाद में क्या करना है आपको? नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है? जो भी हम लोग ये सॉल्व करेंगे लिमिट, ओके, ये जो टर्म है आपकी नीचे वाली टर्म जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? एलसीएम जो हम लोगों ने प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स में कैलकुलेट की करते थे, एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर में ये आएगा, ओके, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई करके प्लस के एस प्लस टू आएगा। सो क्या आएगा? देखो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है तो क्या होगा? दो ऊपर वाली टर्म है, देखो क्या है? एस एस स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस ट्वेल्व अपॉन एस स्क्वायर। ओके, न्यूमिनेटर की जो टर्म है आपकी वो जाएगी ऊपर। ओके, वो क्या रहेगी? दैट इज एस स्क्वायर प्लस सेवन एस प्लस ट्वेल्व। ओके, और एस भी रहेगा उसके साथ में। ओके, और जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपके न्यूमिनेटर में था एस स्क्वायर, तो ये वैसे ही रहेगा। अभी जो नीचे वाले टर्म थी वो आपकी ये रहेगी और जो डिनोमिनेटर था इसके नीचे वो आपका ऊपर चला गया है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में जो फाइनल्स में आंसर आएगा वो देखो क्या है, यहाँ पे एस और एक एस कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो क्या होगा? यहाँ पे जो ये वाली टर्म है ये वैसी की वैसी ही रहेगी। ओके, और नीचे वाली ये वाली टर्म है जो है ये भी वैसी रहेगी। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? जो एस है, ओके, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? एस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? ये वाली टर्म बचेगी। ओके, यहाँ पे एस आ गया और ये जो ऊपर वाला एक एस बच गया था ये भी हम लोग नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा? एस स्क्वायर। ओके, बाकी टर्म वैसी ही रहेगी अपनी। सो इसको हम लोग क्या करेंगे? अभी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो। तो क्या होगा? कौन सी टर्म अपनी
ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ओके। तो बचेगा क्या, सिर्फ 12 बचेगा। यहाँ पे भी एस है वो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो देखो अभी नीचे में क्या बचेगा, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी एस आएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बाद में यहाँ पे एस है तो ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, बचेगी क्या, दैट इज़ 2k। सो नीचे में क्या आएगा, 2k। सो आंसर क्या आएगा, 6/k, ओके। यहाँ पे 6 आएगा। सो स्टेडी स्टेट एरर कितना आ रहा है अपना, 6/k, ओके।